से कहते हैं भगवान, आचार्यम माम बिजानियात। आचार्य को, गुरु को मेरा स्वरूप जानो मानो। नाव मन्ने तो कर रिचित, उनका शरीर मत देखो कि मनुष्य का शरीर है, हमारी तरह भी खाते पीते सोते जागते हंसते रोते गाते गुस्सा करते आदि है। तो उनकी इन क्रियाओं को मत देखो, भीतर घुसो, उनके अंदर भगवत प्रेम कितना है और वो हमको शास्त्र वेद का ज्ञान करा सकते हैं क्या। ये दो बातें हैं, दो शर्तें हैं वेद की, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हमको ऐसा गुरु चाहिए जो शास्त्र वेद का ज्ञान भी करा सके और प्रैक्टिकल मैन भी हो, अन्यथा शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमस्तस्य श्रम फलो यदेनुमेव रक्षता। अगर कोई प्रैक्टिकल नहीं है, भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया और किसी महापुरुष के पास रहकर थियरी की नॉलेज प्राप्त कर ली है, तो उससे काम नहीं बनेगा, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। नव योगीश्वर ब्रह्मा के लड़के मनु, उनके लड़के प्रियव्रत, उनके लड़के आग्निद्र, उनके लड़के नाभि, उनके लड़के ऋषभ, उनके 100 लड़के, उनमें 9 योगीश्वर थे, सिद्ध महापुरुष, आकाश मार्ग से सारे विश्व में घूमने वाले, आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस। एक बार विदेह निमि यज्ञ कर रहे थे, पहुंच गए वहां, वो विदेह थे, वो भी थे राजा जैसे जनक थे। उन्होंने सेवा सत्कार किया, पूजा आरती किया, बैठे। सबसे पहले विदेह निमि ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैसे तो मनुष्य का शरीर ही दुर्लभ है, देवता लोग चाहते हैं, क्योंकि देवता लोग साधना नहीं कर सकते, केवल भोग भोग है उनके यहां। लेकिन मनुष्य शरीर मिल भी जाए तो वो और खराब है। यदि कोई महापुरुष न मिले, वास्तविक संत न मिले, विदेह निमि ने जब ऐसा कहा, वो मुस्कुराए और कहा, कुछ पूछना है। योगीश्वरों ने कहा, उन्होंने कहा, हाँ महाराज। उन्होंने कहा, अत आत्यंतिकम क्षेमं पृच्छामो भवतो नघा। महाराज, हम आत्यंतिक दुख निवृत्ति और अनंत काल का अनंत आनंद प्राप्त करना कैसे होगा, ये प्रश्न करता हूं। तो 9 थे योगीश्वर, कबीर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन
आविर्होत्रोथ द्रुमिल चमस करभाजन, ये नौ थे, 11, 2, 21। तो जब ये प्रश्न किया 11, 2, 30 में, तो सबसे पहले कवि बोले, एक जोगीश्वर का नाम था कवि, उन्होंने कहा भयं द्वितीया भिनिवेशतस्या दीशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। पहले गुरु के पास जाओ, वही तो बताएगा तुमको और संभालेगा, बीच बीच में हेल्प करेगा, खाली लेक्चर दे देने से काम नहीं बनेगा, आगे भी वही संभालेगा। गुरु के शरण में जाकर और गुरु और भगवान दोनों के शरणागत हो, ये तुमको जो बीमारी लगी है माया की, क्यों लगी है? इसलिए लगी है कि तुम भगवान से विमुख थे सदा से, तो विमुख होने की दवा, जिस रीजन से बीमारी पैदा हो उस रीजन को काट दो, बीमारी खत्म। तो रीजन है विमुखता, तो दवा है सन्मुखता। यो पीठ किए हो भगवान से, सामने आ जा, कंप्लीट सरेंडर जिसे कहते हैं। 11, 2, 37 इसके बाद हरि बोले, दूसरे योगीश्वर, पूछा कि महापुरुष की शरण में जाए, आप बोल रहे हैं कवि जी, तो महापुरुष को हम पहचाने कैसे? तो इसका जवाब हरि ने दिया, मैं बताऊं, सर्वभूतेषु जप पश्येत भगवत भावमात्मनः अभूतानि भगवत्येषु सबै भागवतोत्तमः। जो सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे, वो महापुरुष। ये तीन प्रकार का होता है महापुरुष, यानी उसकी अवस्था तीन प्रकार की होती है। एक अवस्था ऐसी होती है महापुरुष की कि भगवान के सिवा कुछ देखता ही नहीं। ध्यान दो एक एक शब्द पर, कुछ देखता ही नहीं। कोई बैठा है, कोई पेड़ है, कोई बिल्डिंग है, कुछ नहीं। जित देखूं तित श्याम मई है, सर्वत्र वासुदेव सर्वमित समहात्मा सुदुर्लभा। एक ऐसी अवस्था आती है महापुरुष की, और जब उससे नीचे उतरता है तो ये अवस्था आती है कि दिखाई तो पड़ता है सब, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मकान है,
लेकिन इसमें भगवान बैठे हैं ये देखता है। और नीचे उतर के आया तो ये देखता है कि सब भगवान के भक्त हैं। ये तो भगवान के खिलाफ बोलता है। अरे ये तो ऐसे रसिक लोग बोलते हैं, अरे ये नास्तिक है, गाली देता है। अरे तो गोपियां भी तो गाली देती थी। ये भावना रखे सर्वत्र, खराब के प्रति भी अच्छी भावना। ये नंबर 3 का महापुरुष, ये 11:2:45। अब नंबर 2, ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा जः करोति स मध्यमः। और मध्यम क्लास का महापुरुष वो होता है जो भगवान से तो प्रेम करे और भक्त से मैत्री करे। कोई भक्त मिल जाए, दोस्ती करे, ताकि भगवान की चर्चा सुनाता रहे वो। और जो मूर्ख हो, अज्ञानी हो, उस पर कृपा करे, समझाने की चेष्टा करे। और जो दुश्मन हो, बुराई करता हो, गाली देता हो, अपमान करता हो, उससे उदासीन हो जाए। उदासीन, लड़ना नहीं, चुप। महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति ने दिन भर गाली दी, दिन भर। तो उन्होंने शाम को कहा है अपने एक शिष्य से, कुछ खिला पिला दो, बेचारा थक गया होगा। तो उसने कहा, तू आदमी है कि पत्थर है, क्या है? मैंने इतनी गाली दी और तू कह रहा है कि कुछ खिला पिला दो। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो बेटा, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज देता है और लेने वाला कहता है भाई ये हमारे काम की चीज नहीं है, तो वो चीज कहाँ रहेगी? देने वाले के पास। तो तुमने जो इतनी चीज दिन भर में दी, वो हमारे काम की नहीं थी। हम तो राधा कृष्ण का, भगवान का विषय कोई बोले तो वो सुनता हूं, ये हमारे काम का नहीं था तो हमने इसको लिया ही नहीं। लेकिन दया जरूर आई कि तुम थक गए होगे, तो हमने कहा कुछ खिला पिला दो तो फिर शुरू करें। आप लोगों को भी एक दिन यही जाना होगा। भरत सरी के राजा, भिक्षा मटन नारीपुरे स्वपाकमपि बंदते। जो भरत राजा के दुश्मन राजा थे, उनके राज्य में जाकर भिक्षा मांगते थे, राजा होकर के भी। सब ही मान प्रद आप अमानी। और तीसरे नंबर का भक्त वो होता है जो अर्चाया में वहरे पूजाम श्रद्धये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। तो 11:2:45, 11:2:46, 11:2:47 जो पूजा उजा करता है, पाठ वाठ करता है,
और भक्त की परवाह भी नहीं करता है तो वो प्राकृत भक्त है, यानी बनावटी है, उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। फिर आगे कहा, गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान् न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः। वो भक्तों में श्रेष्ठ भक्त है कौन, जो सब विषय को ग्रहण करता है संसार से, आँख कान नासिका रसना त्वचा, लेकिन मन का अटैचमेंट भगवान में रखता है। उद्धव ने कहा था, तोयोपभुक्त श्रीगंध बासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जय महि। भगवान के सामने उद्धव ने कहा, महाराज आपका पहना हुआ वस्त्र हम पहनेंगे, आपका उच्छिष्ट खाएंगे, इत्र लगाएंगे आपकी प्रसादी, सात इंद्रियों का विषय आपकी प्रसादी के रूप में लेंगे और माया को चैलेंज कर देंगे। तव मायाम जये महि, यही बात यहां योगीश्वर कह रहे हैं। गृहीत्वा तीन्द्रियैरर्थान, इंद्रियों से सब संसार के ऐश्वर्य का उपभोग करे। राजा बनकर किया ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश तमाम महापुरुषों ने, लेकिन मन भगवान में था। बेटा बेटी सब थे, प्रहलाद का एक इतिहास है आप लोगों ने सुना होगा, भागवत में लिखा है। एक लड़की थी केशिनी, उसमें प्रहलाद के लड़के आसक्त हो गए विरोचन, और प्रहलाद के गुरु के लड़के भी उसी में आसक्त हुए, तो दोनों में होड़ हो गई। प्रहलाद का लड़का कहे, मैं राजकुमार हूं, मेरी सीट बड़ी है, और गुरु पुत्र कहे, तुम राक्षस के लड़के हो, तुम्हारा खानदान निंदनीय है, इसलिए मैं बड़ा हूं। दोनों में होड़ हो गई, प्राण की बाजी लग गई, अगर मेरी बात सही हो तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ, और अगर तुम्हारी बात सही निकले तो हमारा प्राण तुम्हारे हाथ। लेकिन फैसला कौन करे, तो गुरु पुत्र ने कहा, तुम्हारे पिता प्रहलाद फैसला करेंगे। उन्होंने कहा, प्रहलाद अगर हमारे पक्ष में करेंगे तो तुम कह दोगे वो तो तुम्हारे पिताजी हैं। नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने बताया है कि प्रहलाद महापुरुष है, वो किसी का पक्ष नहीं लेगा। मुकदमा दायर हुआ, प्रहलाद ने फैसला किया कि गुरु पुत्र बड़ा है, मेरा पुत्र हार गया, चढ़ा दो फांसी पर, ऑर्डर। फांसी पर लटकाए गए विरोचन, तो गुरुपुत्र ने कहा, ये बताओ प्रहलाद कि हम बड़े कि तुम, तो प्रहलाद ने कहा, आप बड़े हैं, गुरुपुत्र हैं। अच्छा अच्छा,
तो तुमको हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, छोड़ दो अपने बेटे को, छोड़ दो भाई, छोड़ दो भाई, ऑर्डर हो गया। तो फांसी पर चढ़ा दो, जिस मुस्कुराते ढंग से कहा उसी प्रकार छोड़ दो, ये भी उसी मुस्कुराते ढंग से कहा, कोई अंतर नहीं। धक होता ना, जैसे आप लोगों को कोई छोटी सी बात भी हो जाए अपने बेटे बाप माँ बीबी किसी के लिए, तो धक होता है। ऐसा नहीं, तो विषयों को ग्रहण करते हुए भी और मन भगवान में रहे, वो भागवतों में श्रेष्ठ है। 11:2:48 फिर आगे कहा हरि ने कि त्रिभुवन विभव हे तवे वैकुंठ स्मृति रजितात्म सुराद भिर्विज्ञात न चलति भगवत पदारविंदाल्लव निमिषार्धमपि यस्य वैष्णवाग्रह। 11:2:43 जिसका मन भगवान से एक क्षण को भी अलग न हो, कहीं आसक्त न हो, वो वैष्णवों में श्रेष्ठ वैष्णव है। फिर आगे कहा विसृजति हृदय नजस्य साक्षात् धारि रभसा भीतो भ्यगौ घनाशा प्रणय रसनया धृतांग्रि पद्म सभवति भागवत प्रधान उक्त। 11:2:55 भगवान का नाम कोई विवश हो के भी मजबूरी में भी ले ले तो भी वो कमाल करता है। और जिन लोगों ने प्रेम से भगवान के चरण कमलों को बांध रखा है उनसे भगवान कहाँ अलग जा सकते हैं। ऐसे जीवों को वास्तविक सर्वश्रेष्ठ महापुरुष कहते हैं। महापुरुष की वास्तविक जो परीक्षा है वो केवल भगवत प्रेम से है। अंतरंग अंतःकरण का उसका मन भगवान में है कि नहीं, बस, और बाकी चीज नहीं देखना। भगवान के अवतार थे नारद जी और भक्ति के सबसे बड़े आचार्य, उन्होंने ग्रंथ लिखा है नारद भक्ति सूत्र, 84 सूत्र, बहुत छोटे छोटे सूत्र, उसमें गोपियों को ही उन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। यथा ब्रज गोपिका नाम, 41वां सूत्र, ये गोपियों की अवस्था। मुश्किल ये है कि महापुरुषों को हम अपनी माइक बुद्धि से पहचान नहीं सकते। मैंने कल भी आपसे कहा था ना, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे, अंतर्वाणी भिरप्यस्य। बड़े बड़े योगीश्वर भी प्रेमियों की गति को कृति को नहीं समझ सकते। अहेरिव गति प्रेमना, जैसे सांप चलता है टेढ़ा टेढ़ा लेकिन बिल में घुसता है सीधा, वो बिल नहीं बनाता खुद, और बिल टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, चूहे बनाते हैं,
और वो सीधा घुस जाता है। तो महापुरुष अंदर सीधा होता है, बाहर टेढ़ा होता है। इसलिए हमारी बुद्धि में गड़बड़ कर देता है, हमको डाउट पैदा कर देता है, हम नहीं समझ पाते। भगवान कह रहे हैं फिर, बुधो बालकवत क्रीडेत, विद्वान है और बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है। कुशलो जड़वत चरेत, बड़ा ज्ञान रखता है हर चीज का, लेकिन मूर्ख की तरह व्यवहार करने लगता है। बदे दुन्मत्तवत विद्वान, शास्त्र वेद का ज्ञाता है लेकिन पागल की तरह बोलने लगता है कभी कभी। ग्यारह अठारह उन्तीस, और ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी ये श्लोक है, पांच छब्बीस। तो महापुरुष को समझने के लिए श्रद्धा चाहिए। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया, ये एक क्रम है। नंबर एक श्रद्धा हो, नंबर दो सही संत हो, दोनों सही हो, श्रद्धा भी सही हो, संत भी सही हो, तो फिर आगे सब बात बन जाएगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं।